शुक्रवार को विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आगरा में भाजपा जिला संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ के नेतृत्व में दिव्यांग महारैली का आयोजन किया गया। रैली सुभाष पार्क से शुरू होकर जिला मुख्यालय पर समाप्त हुई। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आगरा के सुभाष पार्क से दिव्यांग रैली का आयोजन किया गया। रैली का समापन जिला मुख्यालय पर हुआ। इस महारैली में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिराज कुशवाहा ने शिरकत की। वहीं रैली में शामिल दिव्यांगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा गया कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं बल्कि ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है, इसलिए मायूस नहीं हौसले की उड़ान भरे। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सविता है, जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ से। सर, हम देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर के आई है जो दिव्यांगों का सम्मान देने का काम किया है। 4% हमें राजनीति में सम्मान देने का काम किया। हम कभी विकलांग कहते थे, हमें दिव्यांग एक अच्छा नाम हमें मिला है। उसके साथ साथ हमारे योगी जी के नेतृत्व में सभी दिव्यांगों को निःशुल्क आज तक कभी नहीं बांटे, किसी भी पार्टी में ऊपर बांटे जा रहे हैं। कभी हम एसी उसमें नहीं चले ट्रेन में, आज हम सेकंड एसी थर्ड एसी में ट्रेन में यात्रा करते हैं। इसीलिए हमने जो हमें जो राजनीति में 4% आरक्षण दिया है उसके लिए हम दिव्यांग यात्रा निकाली है। इनके धन्यवाद देने जी के लिए योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देवेंद्र सिंह सविता ने बताया कि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिव्यांगों को सम्मान देती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी द्वारा राजनीति में जो दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया है, इसके चलते देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।